हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स कॉल्ड वर्किंग पर्ल। एंड यस, मेरा नाम ही पर्ल है। आई होप आप लोग सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे ये मस्त वाला वेदर जो कि विंटर सीजन चल रहा है। नॉर्थ साइड में तो विंटर आ चुका है भाई, बट बॉम्बे वाले लोग थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके वहाँ पर भी विंटर आने के लिए। बट आई थिंक मोस्ट कॉमनली जो हम लोग फेस करते हैं ना ड्यूरिंग विंटर सीजन, दैट इज़ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है हमारी स्किन, एंड उसी के चलते हम लोग देखते रहते हैं या ढूंढते रहते हैं। स्पेशली मैं तो ढूंढते रहती हूँ कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि मतलब मेरे स्किन को डार्क ना करे, मेरे स्किन को मॉइस्चराइज रखे। तो उसी के चलते मैं जो आज प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ, दैट इज़ वन ऑफ द बॉडी ऑयल। मैंने पहले भी वादी हर्बल बॉडी ऑयल के रिलेटेड मैंने एक रिव्यू डाली हूँ, एंड टच आउट इट्स लोग देख रहे हैं। तो उसी के चलते मैंने एक सेकेंड वीडियो, आज का जो वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट जो कि है बॉडी ऑयल। आई गेस हम लोग सभी लोग जिसको थोड़ा एक्सट्रीम ड्राई स्किन है वो थोड़े रुझान रखते हैं, लाइक या वो थोड़े झुकाव रखते हैं टुवर्ड्स बॉडी ऑयल। मुझे बहुत ज़्यादा लाइक मेरी बॉडी टाइप या जो मेरी स्किन की टाइप है ड्यूरिंग विंटर सीजन या नॉर्मल मतलब 12 महीने जो है ना वो एकदम ड्राई रहती है। इट्स एक्सट्रीमली ड्राई फॉर सम रीज़न। मेरी फेस एकदम ऑयली है बट मेरा जो बॉडी का स्किन है ना दैट इज़ वेरी वेरी ड्राई, एंड विंटर सीजन में वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। हाथ वगैरह आपके यू नो फिंगर्स के टिप्स वगैरह फटने लगते हैं। देर आर यू नो पीपल हु फेस दिस इशू, एंड उसी के चलते मैं आज जो प्रोडक्ट रिव्यू कर रही हूँ दैट इज़ नन अदर देन कियो कापिन का दिस इज़ द बॉडी ऑलिव ऑयल। ये इस तरीके का दिखता है, दिस इज़ वेरी वेरी क्यूट बॉटल। ये कुछ 200 ml की बॉटल है गाइज, दिस इज़ द होल बॉटल विच लुक्स लाइक दिस। एंड यहाँ पर लिखा है कि मॉइस्चराइजिंग बॉडी ऑयल एंड इट रिटेल्स फॉर जस्ट 90 rupees। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड परचेज मैंने की थी। एज यू कैन सी आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसको यू नो ऑलमोस्ट हाफ कम्प्लीट करती हूँ एंड थोड़ा ही बचा है। तो मैं इतना ज़्यादा इसे यूज़ कर रही हूँ अभी। कलर्स भी आपको दिख रहे होंगे ऑलिव ऑयल की तरह, बट इसका जो मुझे यू नो ये बहुत ज़्यादा नॉर्थ साइड में या स्पेशली कैलकटा में ये बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, एंड बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे आई एम श्योर। बट टूवर्ड्स यू नो अदर प्लेसेस जहाँ पर इसके बारे में या ये कंपनी के बारे में नहीं जानते होंगे, तो विल मेक श्योर कि मैं इसका डिस्क्रिप्शन यू नो अमेजोन में इसका लिंक वगैरह डाल दूँ। ये प्रोडक्ट बाय गॉड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बिकॉज इट्स नॉट वेरी स्टिकी। लेकिन मैं रिव्यू पे चले जाती हूँ सीधा कि ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है राइस, मतलब इतना अच्छा ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल सुनते ही जिसने ऑलिव ऑयल का एक्चुअल टेक्सचर देखा होगा लाइक जब वो मतलब मिलता है आपको तो वो बहुत ज़्यादा स्टिकी रहता है राइस, एंड इट्स नॉट वेरी अ थिन, वो बहुत थिन वाला नहीं है ऑयल, बट ये फॉर सम रीज़न इट्स वेरी वेरी थिन, आपको दिख रहा होगा। बहुत ईजीली ग्लाइड भी हो जाता है ऑयल है ऑब्वियसली, और नॉन स्टिकी है ना तो उसका बात ही कुछ अलग होता है, ईजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसकी खुशबू नंबर वन है, अगर आपने ये लगा लिया ना आपको इसके बाद कोई परफ्यूम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसकी खुशबू इतनी प्यारी और इतनी मतलब यू नो लॉन्ग लास्टिंग है। तो आप सोचिए कि आप इतनी फ्रेग्रेंस वाली बॉडी ऑयल अगर आपके पूरे बॉडी में लगाएंगे आपको मतलब कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो मतलब खुशबू खुशबू हो जाएगा पूरा रूम। एंड लोग ज़रूर पूछेंगे कि क्या लगवाया है भाई, इतनी खुशबू आ रही है, स्ट्रांग नहीं है तो उसका डर नहीं है आपको, बहुत ही मीठी एंड बहुत ही प्यारी खुशबू है। आई एम यूजिंग इट रेगुलरली दिस ऑयल नाउ डेज बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा लोशन मेरा काम नहीं करता है। आई एम वेरी मच लाइक इन टू ऑयल्स राइट नाउ, एंड मुझे मेरा मतलब स्किन में डिफरेंस दिखता है गाइस। ऑयल लगाने के बाद मुझे लग रहा है कि हाँ भाई मतलब मेरी स्किन ऐसे रो पड़ती है कि भाई दो कुछ मॉइस्चराइजिंग दो, मुझे ऑयल चाहिए। मेरे इसमें लोशन से काम नहीं चलता है, एंड स्पेशली ड्यूरिंग विंटर सीजन आई गेस सभी की स्किन रो पड़ती है कि भाई कुछ लगाया जाए। बट हमें ऐसा होता है कि भाई चिप 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 करें ना तो बहुत इरिटेशन होता है उस चीज़ से, जो कि ये ऑयल नहीं करता है। एज यू कैन सी देखिए आप कितना ईजीली ग्लाइड कर दिया, एब्जॉर्ब भी हो गया है मेरे स्किन में, एकदम बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब हो गया गाइस। और दूसरी एक बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ऑयल इज़ कि एब्जॉर्ब तो हो ही जाता है, साथ ही साथ इसकी बढ़िया बात क्या है पता है
कि ये रह जाता है यार, मतलब मैंने लगाया एंड मैंने नेक्स्ट डे भी मैं जब भी मॉर्निंग में उठ के देखती हूँ ना, तो मुझे वो शाइन दिखता है। जब आप कोई भी ऑयल लगाएंगे आपकी स्किन में एक शाइन होती है, एक शाइन दे देती है वो चीज़, और ये चीज़ ये कर रही है। मतलब मैं नेक्स्ट डे देखती हूँ कि हाँ वो शाइन है, मतलब आपको स्टिकीनेस फील नहीं होगा बिल्कुल भी, ऐसा लगेगा नहीं, बट वो शाइन दिखता है, दैट मीन्स इट्स स्टिल देयर। तो मतलब एक 24 घंटे वो रह गया है, तो बहुत ही, मतलब मेरे हिसाब से तो भाई टॉप नॉच है ये। ऑलिव ऑयल का है तो बहुत अच्छी चीज़ है, सबको पता। समथिंग मैंने ऑलिव ऑयल लाइक रॉ फॉर्म में लगाई हूँ लाइक प्रीवियसली, एंड मुझे वो बॉस नहीं सूट किया बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। वो टिन के डब्बे में आती है, मुझे नहीं मालूम उसका नाम क्या है, फरेयर, आई हैव नो आइडिया, लाइक मुझे नहीं मालूम उसका नाम क्या है, बट मैंने वो टीन वाले डिब्बे में आती है और वो एकदम ऑलिव ऑयल, जो ओरिजिनल ऑलिव ऑयल है फ्रॉम फ्रांस और समवेयर, वो वैसे डिब्बे बॉटल में आती है। तो मैंने वो लगवाया था, पहले लगाई थी मैंने थोड़ा सा, एंड मुझे नहीं जमा बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा चिक 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 एकदम चिपचिपा था वो, एंड मतलब भले ही ओरिजिनल ऑलिव ऑयल है बट बहुत ज़्यादा स्टिकी था, एंड उसको आई गेस खाने वगैरह के इसमें यूज़ कर सकते बट एज अ बॉडी ऑयल नहीं यूज़ कर सकते। दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस, इन लोग ने ऑब्वियसली इस पर कुछ काम किया होगा, दे से योर कि इट्स अ प्योर ऑलिव ऑयल करके, बट आई डोंट थिंक सो। इसमें परफ्यूम वगैरह एडेड है डेफिनेटली, एंड इसमें कई अलग इंग्रेडिएंट्स भी है, दैट इज़ मिनरल ऑयल एंड सम एंटी ऑक्सीडेंट वगैरह डाले हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड यार कि एंटी ऑक्सीडेंट है इसमें। परफ्यूम तो डेफिनेटली है, ऑलिव ऑयल का भी परसेंटेज ये लोग ने मैंशन किया है, तो इट्स नॉट अ वेरी स्टिकी स्टिकी जो यूजअली ऑलिव ऑयल्स होते हैं गाइज, एंड दिस इज़ वेरी अ थिन, वेरी गुड गुड ऑलिव ऑयल आई वुड से, एंड आई वुड हाईली सजेस्ट एनी वन यू नो कि आप लोग परचेज करके देख सकते हैं गाइज, ये बहुत ही प्यारा तेल है एंड वेरी गुड फॉर योर स्किन, वेरी गुड फॉर योर स्पेशली फॉर योर बॉडी स्किन। मैं फेस पे लगाना आई डोंट थिंक सो आई वुड प्रेफर दैट, मैंने कभी इसको फेस पे नहीं लगाया है। सम पीपल डू यूजली लव टू यू नो अप्लाई ऑलिव ऑयल इवन ऑन देयर फेस, बट मैं आई वुड रियली स्टिक इट टू द बॉडी पार्ट, क्योंकि फेस ऑयल्स होते हैं, आई प्रेफर यूजिंग बादाम का ऑयल ऑन माई फेस। So that will I will surely share my complete winter routine in my next video. So stay tuned for that as well. इसके लिए बहुत ही बढ़िया तेल है बॉस, आप ट्राई कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए इसको ड्यूरिंग विंटर सीजन। 90 रुपये की 200 ml की बॉटल है, लगाना पसंद करती हूँ, दैट इज़ मैं थोड़े डैम्प बॉडी में लगाना पसंद करती हूँ, बिकॉज आई फील कि थोड़े डैम्प बॉडी पे अगर आप लगाएं कोई भी प्रोडक्ट लगाए गाइस, दैट इज़ नॉट इसके रिलेटेड मैं बोल रही हूँ कि ये ऑयल के रिलेटेड, एनी थिंग वेदर इट बी मॉइस्चराइजर, नाइट क्रीम, कुछ भी आप लगा रहे हैं ना, तो थोड़ा ऐसा डैम्प बॉडी रहेगा ना आपका, तो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और वो लॉक कर देता है, तो आप देखेंगे बहुत कम प्रोडक्ट एंड बहुत ईजिली ग्लाइड होके बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। बट आपकी बंदी ने रिसर्च किया है पूरे इस एब्जॉर्प्शन के ऊपर कि अगर आप कोई रेटिनॉल रिलेटेड प्रोडक्ट लगा रहे हैं, प्लीज़ रिमेंबर रेटिनॉल या विटामिन ई, विटामिन ए के रिलेटेड अगर आप कोई प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो प्लीज़ डोंट अप्लाई इट ऑन डैम्प स्किन, वो उसको आप ड्राई स्किन के ऊपर ही लगा। अदर देन दैट वॉट एवर प्रोडक्ट यू अप्लाई, विटामिन ई, विटामिन डी सी, वॉट एवर इट इज़, आप अगर थोड़े से डैम्प स्किन पर लगाएंगे या डैम्प स्किन पर अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो आप इसे मेरी एक टिप की तरह भी ले सकते हैं। ये वीडियो को और ज़्यादा नहीं लेंदी करते बिकॉज ज़्यादा कुछ है नहीं, जो भी थे अच्छी चीज़ें थी जो मैंने बता दी, 10 out of 9 तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट को मैं दे दूँगी। ऑलिव ऑयल है, बहुत अच्छा है, 24 hours रह जाता है, दैट्स बेस्ट एंड वन ऑफ माई प्लस, लाइक मेरा हिसाब से मैं बोलूँगी ना, मेरा प्लस प्लस पॉइंट अबाउट दिस प्रोडक्ट वुड बी इट्स परफ्यूम, लाइक इसकी जो खुशबू है ना गाइस, इट्स अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सो डू चेक आउट दिस प्रोडक्ट गाइज, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया देन प्लीज़ डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट जस्ट मोटिवेट्स मी टू डू मोर, एंड ऑल्सो नोटिफिकेशन पे बेल आइकन पे प्लीज़ क्लिक कर दो ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊँ आप तक वो जल्द से जल्द पहुँचा। एंड डू ऑल्सो चेकआउट, शेयर कर दो यार फ्रेंड्स फैमिलीज में, दैट इज़ ऑल्सो देयर, एंड डू चेकआउट माई नेक्स्ट वीडियो, दैट्स गोइंग टू बी कम्प्लीट विंटर स्किन केयर रिलेटेड, जैसे मैं पूरे विंटर में केयर लेती हूँ विद द फेस और माई बॉडी, बॉडी के रिलेटेड बता दी हूँ,
फीस के रिलेटेड बताना बाकी है. टिल देन लव यू ऑल, बाय.